important sections which are there. First is your section 15, which provides as to which all income are to be taxed under the head income from salary. सेक्शन 15 में आपका ये बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्ज होगी, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा. सेक्शन 16 इज द डिडक्शन सेक्शन. इसमें बेसिकली प्रोवाइड किया गया है कि आपको जब आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट कर लेते हैं तो कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है. बेसिकली दो डिडक्शन है, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस और एक प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स. ये क्या होते हैं हम ये देखेंगे. एंड सेक्शन 17 देन प्रोवाइड्स कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी. ये मैं अगेन आपको आगे बताऊंगा कि इन तीनों का मतलब क्या होता है. ब्रॉडली सैलरी क्या होती है आपको मेरे को पता है. परक्विजिट क्या होता है कि एक तरह से कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, अगर मैं एक एम्प्लॉई है मेरा, उसको मैं कैश देने के बजाय क्या करूं, मैं एक घर किराए पर लेके उसको दे दूं, तो एक तरह से क्या हुआ, उसको या तो मैं कैश देता और वो खुद आगे जाके ये पेमेंट करता, बजाय उसके मैंने उसको पैसे दे दिए, अदर किसी और को पैसे दे दिए और एक घर लेके उसको दे दिया, तो एक तरह से ये सैलरी ही हुई ना, अदरवाइज मैं कोई उसको गिफ्ट थोड़ी दे रहा हूं. तो ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो होते हैं वो परक्विजिट्स होते हैं. और दो तीन चीजें हैं जो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया है कि दैट दीज शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट्स विच एन एम्प्लॉय डिराइव्स इन व्यू ऑफ सैलरी. यू जस्ट गो थ्रू दिस इन मोर डिटेल एज यू मूव अलॉन्ग, बट दिस इज बेसिकली द स्कीम ऑफ टैक्सेशन ऑफ सैलरी. Now we move on to the next topic, which is leave salary. अब हम देखेंगे कि leave salary का taxation क्या होता है. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि leave salary का मतलब क्या होता है. Salary ये हम पहले ही discuss कर चुके हैं कि salary का मतलब क्या होता है. Leave यानी छुट्टी. तो leave salary क्या हुई, वो salary जो मुझे उस time मिली जब मेरी छुट्टी थी, या फिर अगर मुझे कुछ छुट्टी का एंटाइटलमेंट था और मैंने वो छुट्टी नहीं ली, उसके बदले में जो सैलरी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दी है उसका टैक्सेशन क्या होगा, उसको हम लीव सैलरी बोलते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि एक किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, नॉर्मली क्या होता है कि आपको कुछ दिनों की लीव एंटाइटलमेंट होती है. अब लीव अलग अलग तरीके की हो सकती है. ये हो सकता है कि आपकी कोई एनुअल लीव हो. इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप मान लीजिए साल भर में काम करते हैं तो एम्प्लॉयर आपको आराम करने के लिए या फिर छुट्टी पे जाने के लिए नॉर्मली एनुअली एक लीव देता है जिसको हम एनुअल लीव बोलते हैं. साल में नॉर्मली आदमी बीमार भी पड़ जाता है कभी, तो उसकी एवज में कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर कहता है कि चलिए अगर साल में आप बीमार होने के कारण दो या तीन छुट्टी लेते हैं तो हम उसके आपकी सैलरी नहीं काटेंगे. तो ये होती है आपकी लीव सैलरी. अब लीव सैलरी का टैक्सेशन क्या है, ये डिपेंड करता है आपका कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर आप किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. तो डिवीजन जो होता है वो होता है या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या फिर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी काम करते हैं, इवन देन यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर्स. एंड अगेन द टैक्सेशन इज ऑल्सो गवर्न बाय द फैक्ट एज टू व्हेन डिड आई रिसीव द लीव सैलरी. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सैलरी जो मुझे लीव सैलरी मिली है वो कब मिली है, या उस दौरान मिली है जब मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में था, मतलब मैं आज काम कर रहा हूं लेकिन मुझे लीव सैलरी जो है वो लीव के बदले में मेरा पैसा मिल गया, या फिर मुझे वो मिलेगी रिटायरमेंट या फिर नौकरी छोड़ने पर. तो इन दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में जो टैक्सेशन है वो डिफरेंट हो जाता है. तो चलिए देखते हैं कि टैक्सेशन कैसे होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज अज्यूमिंग आई लीव रिसीव my leave salary during the continuity of my employment. मतलब मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, आज वो किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, उसने कंपनी छोड़ी नहीं, लेकिन उसने क्या हुआ, उसको नौकरी करते करते ही उसकी नौकरी के दौरान उसको उसके एम्प्लॉयर ने लीव सैलरी दे दी. उन्होंने बोला कि भाई साल भर में आप 20 दिन की छुट्टी ले लीजिए,
अगर आप 20 दिन की छुट्टी ले लेते हैं तो हम उसकी आपकी कोई सैलरी नहीं काटेंगे, या फिर आप अगर छुट्टी नहीं लेते तो उस छुट्टी के बदले में मैं आपको 20 दिन की सैलरी दे दूंगा। अब अगर आपको वो 20 दिन की सैलरी मिलती है और आप नौकरी में हैं ऑलरेडी, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर एक आप अदर एम्प्लॉई हैं जो कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। जब तक आपको आपकी लीव सैलरी मिलती है जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट में रहने के दौरान आपको मिलती है, उस केस में आपके उसमें टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि कई बार क्या होता है कि आपको एक रिलीफ दी जाती है सेक्शन 89 में, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको अगर सपोज सैलरी लीव सैलरी जो मिली है वो 2-3 साल की मिली है, तो क्या होगा कि कई बार ऐसे हो सकता है कि आपकी इनकम एक साल में कम हो दूसरे साल में ज्यादा हो। तो अगर ये लीव सैलरी जिस साल की थी आपको उसी साल में मिली होती तो हो सकता था कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपकी एक रिलीफ आपको सेक्शन 89 में मिलती है, तो आपकी इस लीव सैलरी जो है वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपकी कोई रिलीफ बनती है सेक्शन 89 में, वो आपको अलग से दे दी जाएगी। द सेकेंड सिचुएशन कुड बी दैट यू गेट योर लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीविंग द जॉब। मतलब ये हो सकता है कि मेरे को मेरी लीव सैलरी, मैंने रिटायर कर गया हूं और रिटायरमेंट के बाद, या फिर मैंने कोई नौकरी छोड़ दी है, उसके बाद मेरी जितनी भी लीव बची थी जिसकी मैंने छुट्टी नहीं ली थी और मुझको उसके बदले में जो सैलरी मिलती है उसका टैक्सेशन क्या होगा। अगेन हियर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज होली एग्जेम्प्ट। मुझे जितनी भी लीव सैलरी मिलेगी, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूं, अगर मुझे वो लीव सैलरी मिलती है मेरे नौकरी छोड़ने पर या फिर मेरे रिटायरमेंट पर, वो मेरे हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी। उसमें मुझे पूरा का पूरा छूट मिल जाएगी और मेरा जीरो टैक्स लगेगा। और जो सैलरी है जो कि मेरी बेसिकली मैं सैलरी लूंगा अपनी लीव सैलरी कंप्यूट करने के लिए, वो होगी मेरी आखिरी बेसिक सैलरी जो मैंने ड्रॉ करी प्लस डी। अगर मैं अदर एम्प्लॉई हूं और मुझे मेरे रिटायरमेंट पे या जॉब छोड़ने पे मेरे को लीव सैलरी मिलती है, उस केस में जो मेरा टैक्सेशन है वो जो है क्या होगा, मेरा टोटल अमाउंट जितना मुझे मिला उसमें से मैं एक इन तीन कैटेगरी में अमाउंट कंप्यूट करूंगा और इनमें से जो सबसे कम होगा उसे उससे माइनस कर दूंगा। तो पहला क्या अमाउंट है, एवरेज मंथली सैलरी इनटू पीरियड ऑफ अर्न लीव इन मंथ। मान लीजिए मुझे एक साल में 25 दिन की छुट्टी अलाउड थी, मैंने 4 साल कंपनी में काम किया और कोई भी छुट्टी नहीं ली, तो 25 × 4 100 दिन की छुट्टी का एंटाइटलमेंट मुझे था, मैंने कोई भी छुट्टी नहीं ली। तो मैं अब अगर अपनी इस प्रोविजन के अंडर में अपनी एग्जेम्पशन कंप्यूट करूंगा तो वो क्या कहता है, एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए है। कैसे ये एवरेज मंथली सैलरी कंप्यूट करना है वो मैंने नेक्स्ट लाइन में डिस्कस किया है। एवरेज मंथली सैलरी जो बेसिकली मेरी होती है, I have to take the last 10 months preceding the date of retirement. जिस दिन मैं रिटायर हुआ उसे 10 महीने पहले की मैं एवरेज सैलरी लूंगा और उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा पीरियड ऑफ अर्न लीव इनटू मंथ्स। आपको कोई फ्रैक्शनल इग्नोर करना पड़ेगा। तो यदि मेरी 100 दिन की छुट्टी थी जो मैं अभी आपको बता रहा था, उसमें मेरी 3 महीने 10 दिन की छुट्टी थी, फ्रैक्शन मुझे इग्नोर करना है, तो यानी 3 महीने हुआ तो 3 × माई एवरेज मंथली सैलरी। अगर एवरेज मंथली सैलरी मेरी 1 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए इस क्लॉज में मेरा अमाउंट आ गया। सेकेंड इज कैश इक्वलेंट ऑफ लीव नॉट अवेल सैलरी एट द रेट ऑफ 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। अगेन फ्रैक्शन इग्नोर्ड। प्रीवियस एग्जांपल में ही अगर मैं आपको बताऊं तो 3 महीने थे मेरे, तो 3 महीने के बेसिस पे हर महीने साल अगर मैं 30 दिन की सैलरी मेरे को एग्जेम्प्ट है, तो यानी मेरी 90 दिन की जो सैलरी है उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा। अगेन सैलरी का मतलब क्या है, लास्ट ऑन बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स टर्नओवर। तो ए अमाउंट मेरा 3 लाख निकला, 30 दिन की सैलरी मैं हर साल के लिए लूंगा और मान लीजिए 3 साल है,
और अगेन मेरी 30 दिन की सैलरी मान लीजिए 90,000 रूपए है, तो 270,000 रूपए हो गया। या फिर थर्ड पॉइंट विच इज 3 लाख। अब इन तीनों में मेरा सबसे कम क्या था, 3 लाख मेरी एवरेज सैलरी थी, 270,000 मेरा कैश इक्विवेलेंट था और 3 लाख, इसमें 270,000 का मेरा अमाउंट जो है वो लोवेस्ट है और इसीलिए ये अमाउंट जो है मेरा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनकम टैक्स से फॉर द पर्पस ऑफ माय लीव सैलरी एग्जेम्प्शन। हाउएवर दिस इज ओनली इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज ऑफ पीएसयू, इफ आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, इन दैट केस दिस इज होली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट थिंग विच वी वॉन्ट टू डिस्कस टूडे इज माई रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। What do you mean by retrenchment compensation?